हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे पैकेट से गुलाब जामुन। पैकेट से गुलाब जामुन बनाना बहुत ही आसान है, एकदम हलवाई जैसे गुलाब जामुन बनते हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंस्टेंट गुलाब जामुन मिक्स का पैकेट ले लिया है 200 ग्राम का। आप कोई भी ब्रांड का पैकेट ले सकते हो, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इसके पीछे जो डिटेल्स दिए हैं, हम उसी हिसाब से गुलाब जामुन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने 600 ग्राम चीनी ली है, जो पैकेट पे लिखा है। इसको हम एक पतीले में ले लेते हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो 600 ग्राम चीनी में हमको 600 ml पानी डालना है। अब हम पतीले को चाशनी बनाने के लिए गैस पे रख देंगे। तो पतीले को गैस पे रख दिया है, हम चलाते रहेंगे। चीनी एकदम अच्छे से मेल्ट हो जानी चाहिए, उसके बाद हम चाशनी को 5 मिनट और उबालेंगे। तो अब चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून और 7 से 8 केसर के धागे डालेंगे। ये दोनों ऑप्शनल है, मिक्स कर लेंगे। अब हम चाशनी को 5 मिनट अच्छे से उबाल लेंगे गैस की मीडियम फ्लेम में। एक अच्छा उबाला आने देंगे। तो अब आप देख सकते हो चाशनी हमारी अच्छे से उबल गई है, एक अच्छा उबाला आ गया है। मैंने इसको 5 मिनट उबाला है। चाशनी हमारी बनके रेडी है। हम गैस बंद कर देंगे और चाशनी को हम ढक के रखेंगे। अब हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो एक बाउल में हम इंस्टेंट रेडी मिक्स जो हमारा पाउडर है वो निकाल लेंगे कट करके। अब हम इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3/4 कप दूध लिया है। आप चाहे तो पानी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन दूध से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। मैं हमेशा दूध से ही इसका डो बनाती हूँ। तो हम 3/4 कप दूध लेंगे जो पैकेट पर लिखा है। हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो सारा दूध हमने डाल दिया है। डो थोड़ा सा टाइट लग रहा है तो मैं थोड़ा सा हल्का सा और दूध ले रही हूँ, 2 चम्मच जितना और दूध लिया है। इसको हमको थोड़ा स्टिकी डो रखना है, क्योंकि बाद में ये और ड्राई हो जाता है जब हम गुलाब जामुन बनाएंगे। हाथ में हम थोड़ा घी लगा के डो को चिकना कर लेंगे। तो ये हमारा गुलाब जामुन बनाने के लिए डो रेडी है। तो हाथ में हम घी लगा लेंगे और इसमें से हम बॉल्स बना लेंगे गुलाब जामुन के लिए। तो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कैसे भी बना सकते हो। तो हाथ में हम थोड़ा अच्छे से मसल लेंगे इस तरीके से। मसल कर हम इसके बॉल्स बना लेंगे। इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। तो हम हाथ में थोड़ा घी लगा के इस तरीके से क्रैक फ्री बॉल्स बना लेंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारा बॉल बनके रेडी है। एक बार और दिखा रही हूँ मैं। ये गुलाब जामुन फ्राई होने के बाद चाशनी में डालने के बाद और बड़े हो जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से इससे छोटे भी बना सकते हो। इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामुन के लिए बॉल्स बना लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे बना लेते हैं। तो सारे गुलाब जामुन हमने बना लिए हैं। 16 हमारे गुलाब जामुन बनके रेडी है। एक थोड़ा सा छोटा हुआ है, बाकी सब एक जैसे बने हुए हैं। अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो घी मैंने गरम करने के लिए पहले से ही रख दिया था। घी को हम मीडियम गरम करेंगे। आप चाहे तो तेल में भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन घी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो गैस की फ्लेम हम स्लो टू मीडियम कर देंगे और एक एक करके सारे गुलाब जामुन डाल देंगे। घी को ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम गरम करके ही हम फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम हम स्लो टू मीडियम रखेंगे। तो आप अपने हिसाब से थोड़े डाल के भी फ्राई कर सकते हो। मैं एक साथ सारे डाल रही हूँ। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, गुलाब जामुन को अलट पलट करते रहेंगे। तो सारे और अच्छे से फ्राई होंगे। तो
भी आप देख सकते हो कलर काफ़ी चेंज हो गया है और फूल के साइज़ भी थोड़ी बड़ी हो गई है। इसको हम डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो बीच बीच में हम इस तरीके से चलाते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो अब आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। इस तरीके से डार्क ब्राउन कलर की हो जाए तब तक हमको फ्राई करना है। तो अब हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो गए, हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो सारे गुलाब जामुन हमने प्लेट में निकाल लिए, अब हम चाशनी में डाल देते हैं। तो चाशनी हमारी गर्म ही है क्योंकि हमने ढक के रखी थी, आप देख सकते हो। तो हम सारे गुलाब जामुन एक एक करके डाल देंगे इसमें। तो सारे गुलाब जामुन हमने चाशनी में डाल दिए हैं। इसको हम आधे से पौने घंटे के लिए चाशनी में रखेंगे, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो अब हम चेक कर लेंगे। आधा पौने घंटे बाद आप देख सकते हो गुलाब जामुन ने चाशनी काफ़ी एब्जॉर्ब कर ली है। तो भी चाशनी नीचे है आप देख सकते हो, और फूल के साइज़ भी काफ़ी बड़ी हो गई है गुलाब जामुन की। तो अब हमारी गुलाब जामुन सर्व करने के लिए रेडी है। बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बने हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है। ये सबसे छोटा था वो मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ एक प्लेट में लेके। एकदम हलवाई जैसे गुलाब जामुन बने हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बने हैं। इसको फ्रिज में रख के ठंडा करके भी आप सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखा आपने, बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाता है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो आप ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके गुलाब जामुन कैसे बने। आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉमेंट के माध्यम से बता सकते हो। Thank you for watching. Keep cooking.